अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मोहम्मद सफला खान की तरफ से बहुत ही अफसोसनाक जो खबर है वो आ रही है फैसलाबाद से, जहाँ पे कृष्णों के साथ बहुत गहरा जुल्म किए गए मॉब्स में मुसलमानों ने मिलके जो उनके चर्चेस को जलाया है। सुना गया है कि कोई ब्लास्फेमी का वाक्य हुआ है जिसके बारे में अभी तक सही से टहमें पता नहीं चला, बावजूद इसके जो है हमारे क्रिश्चियन बहन भाइयों की जिंदगी को बर्बाद किए गए, खराब किए गए, उनके चर्चेस को बर्बाद किए गए। हमारा गलत ही कुछ पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। कल से मैं देख रहा हूँ कि इंडियन न्यूज़ चैनल है, वहाँ के फॉरन न्यूज़ चैनल है, मुसलमानों की बेइज्जती किए जा रहे हैं। ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है, इसके बारे में किया जाए तो क्या किया जाए। हम इस वक्त अपने जितने भी क्रिश्चियन बहन भाई उनसे माफ़ी मांगते हैं, ऐसा मुसलमान की ये बहुत ही बड़ा जुर्म हुआ है, ऐसा जुर्म उम्मीद करते हैं उनकी ज़िंदगी में ना हो, क्योंकि अगर ऐसा जुर्म चलता रहा तो पहले ही हमारा मुझसे पूरी दुनिया में इमेज पाकिस्तान का बदनाम है, क्योंकि ये माइनॉरिटीज़ को लेकर अगर यही सब चलता रहा तो कभी आगे नहीं बढ़ता, हम कभी नहीं तरक्की कर पाएंगे। हमें दुनिया में जब हमने कायदा तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बताया था, और कि हमने अपने मुल्क में किस तरह से यूनाइटेड रहना है, कैसे यहाँ पे सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, या किसी भी माइनॉरिटी का बंदा हो, या कोई भी हो, वो सब यहाँ पे खुशहाल रहेंगे, आज़ादी रहेंगे, अमन रहेंगे, बराबरी दी जाएगी, कोई उनको कोई डर और खौफ उनके लिए नहीं दिया जाएगा, तभी हमारा मुल्क पाकिस्तान बना था। और इसीलिए पार्टीशन 14 अगस्त 1947 को हुआ था, लेकिन हमारी उम्मीद की जाती है कि अल्लाह करे कि इस तरह के अल्लाह करे कि ऐसा काम ना हो, अल्लाह करे कभी भी इस तरह के जैसे जलियांवाला बाग के बाद अब आपने देखे कि उससे कम्युनिटी को जो है टारगेट फिर से किया गया है, फिर से ब्लास्फेमी की गई है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो। देखें कितनी अच्छी क्रिश्चियन कम्युनिटी हमारे साथ पाकिस्तान में, हर दम उन्होंने हमारा साथ दिया, कभी उन्होंने हमें अकेले नहीं किया, हमें उस चीज़ की इज्जत करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी, कभी उनका दिल तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम उनके सर पे हाथ रखेंगे तभी वो हमारे काम आ पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अपने इस्लाम में, और आप जानते हैं कि वो एज अ मुस्लिम वो हमारे, आप जानते हैं कि इब्राहिम रिलीजन है, और एज अ मुस्लिम आप जानते हैं कि क्रिश्चियंस हैं मुसलमान जो हैं कि आपस में भाई रखते हैं, क्योंकि उनकी बाइबल है यानी ईसाइयत जो है, और हमारा जो इस्लाम है कुरान पाक है, आपस में इब्राहिमिक रिलीजन से हम लोग आपस में भाई भाई, तो हमें इस अमन से जो कि वो अहले किताब है और हम भी अहले किताब हैं, हमें इस चीज़ का रिस्पेक्ट कर लीजिए, इस चीज़ की इज्जत कर लीजिए, और उनके साथ मिलकर उनका ख्याल रख लीजिए, ताकि हम पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत का बका का ख्याल रख सकें, तो पाकिस्तान से नबर अल्लाह करे इस तरह के काम ना हो, और इस तरह की ब्लास्फेमी से अल्लाह हमारे मुल्क को, और इस तरह की वो कहीं से भी हो कोई भी चीज़ हो उसको हम कंडेम करें। आमीन सुमान रब्बुल आलमीन। हमारे हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि हमारे चर्चेस की सिक्योरिटी की जाए, और उनकी इसके अलावा क्रिश्चियंस की लाइफ की उनकी सिक्योरिटी की जाए, ताकि किसी भी क्रिश्चियंस पे किसी भी औरत पे ज़्यादा जुल्म ना हो, कहीं भी उनको तकलीफ ना पहुँचाइए, चूँकि हमारा इमेज है पूरी दुनिया में पॉजिटिव जाना चाहिए, ना कि उनकी बर्बादी का हमें सोचना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो हैं जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान, कल से मैं देख रहा हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, क्या है वो हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, सब ने कंडेम किया है, सब ने जो है इसकी मजम्मत की है, तो ये बड़ी खुशहाल चीज़ है। उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह और भी पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग जो हैं पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े लोग हैं, क्रिकेटर्स और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सोशल मीडिया पर और प्रिंट मीडिया पर, जहाँ जहाँ भी हो सकते हैं, और जहाँ जहाँ भी मेन मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इसकी मजम्मत करें, और हम अपने क्रिश्चियन बहन भाइयों की सिक्योरिटी और चर्चेस को बिल्कुल प्रोटेक्शन है, ताकि वो अपनी इज्जत से अपनी इबादत कर सकें और वो खुशहाल पाकिस्तान में जिंदा रह सकें। अमीर सुमामी निर्मला। हम अपने क्रिश्चियन कम्युनिटीज से अपील करते हैं, वो पूरा मन है, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, और वो इसके नतीजे में किसी मस्जिद को या किसी कुरान को या किसी उस पे ढावा ना बोलें, क्योंकि अगर इस तरह का निज़ाम चलेगा तो पाकिस्तान में क्रिश्चियंस की और मुसलमानों की जो है ये लड़ाई चल जाएगी, और इससे बहुत बड़ा जुल्म होगा। हम नहीं चाहते, हमें फोल्ड नहीं पाकिस्तान कर सकता जो ऐसे वक्त में इस तरह की एक और भी जो है चीज़ को जो है मॉब्स की तरफ चला जाए, और इस तरह से जो है हम अजाब से नहीं, अजाब में नहीं जाना चाहते। तो अल्लाह करे ऐसा ना हो, अल्लाह करे सब जो लड़ाई है, जो भी चीज़ है, जो भी वो पार्टी से थम जाए, और जो भी जिसका भी जो जिसके साथ भी जो भी जुल्म है उस व्यक्ति में, उसको उसका पूरा पूरा उसकी सजा दी जाए, यही हमारी अपील है पाकिस्तानी गवर्नमेंट से। जो कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जो दुश्मन है वो नहीं चाहते पाकिस्तान जो है वो अमन पर पसंद मुल्क है, जो कि अगर वो लड़ेंगे तो उनका फ़ायदा होगा। तो इस बीच में आप देखें कौन दुश्मन है कौन दोस्त है। अगर आप चाहते हैं कि आप लोग जगता रहें तो आपने लड़ना नहीं है, आपने यूनाइटेड एक साथ मिल के भाईचारे का सपोर्ट देने, ताकि आपका मुल्क जो है ये पॉजिटिव रहे, और एक हम एक अच्छे निशान से एक अच्छे जाविए से दुनिया में पहचाने जा सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद, और क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू।